तो इस एपिसोड की शुरुआत है युवान से, जो कि अपने सेट के किसी एरिया में बैठी हुई थी और खुद से यहाँ पे कहती है कि भाई लड़की मैं भी हूँ, सुंदर मैं भी हूँ, अरमान मेरे पास भी है, बड़े बड़े अरमान है, टांग मेरे पास भी है, सेक्सी सेक्सी टांग मेरे पास भी, यानी वो सारी चीज़ें मेरे अंदर यहाँ पर है जो कि एक कमाल की लड़की के अंदर होता है। लेकिन तो भी आज मैंने यहाँ पे सुना जो फेंग यहाँ पर नाम, उसने उस कमीनी प्रिंसेस को यहाँ पे किस किया, मगर काय को उसको काय को किया, मुझे यहाँ पे काय को नहीं किया यार, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है यार, वो प्रिंसेस के आज मिला। लेकिन भाई मेरे को तो इतने 7 सालों से जानता है, लेकिन मेरे साथ कभी भी उसने किस करने के बारे में, करना तो छोड़ो, सोचा भी नहीं, ऐसा क्यों, तभी एहसास होता। अच्छा तो प्रिंसेस वो ज़्यादा शो करती है, मुझे भी ज़्यादा यहाँ पे शो करना चाहिए, तो अपना हल्का सा जो है ना ऊपर साइड का कपड़ा नीचे कर देगी, अभी अब उसको यहाँ पे आने दो, अब देखते हैं वो कैसे यहाँ पे कंट्रोल कर पाएगा। उतने में जो हमारा मेकअप टर्फिंग है ना, वो यहाँ पे आ भी जाता है, और जैसे यहाँ पे आता है वो आते कहते हैं हेलो यौन कैसी हो, ये कहते भाई मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन तू आधी रात को ना अचानक से मालूम नहीं कहाँ गायब हो जाता है। ये नोटिस कर लेता है अरमान के साइड में और देखता है कि वो माय गॉड यार ये तो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े इसके हो गए हैं सामने से, जानबूझ के अपना छाती फुलाती है कि ले भाई ऑफकोर्स वो प्रिंसेस है और मैं किसी गॉडेस से कम यहाँ पे नहीं हूँ, इसका ध्यान भी काफ़ी सही जगह पर है। लेकिन ये जानबूझ के ना उसका कपड़ा ऊपर कर देता है और कहता है कि भाई ठंड बहुत ज़्यादा यार, शायद तुमको ठंड लग जाएगी, उस सदमे में चल जाते कि अरे यार मुझे लगा इसको ये सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन ये तो ये सारी चीज़ें कवर कर रहा है। हमारा मेन कटर भी कन्फ्यूज किया भाई क्या हुआ, तुम सदमे में लग रही हो, अचानक से सदमे में यहाँ पे कैसे चली गई, ये कहती नहीं भाई तुम कहाँ चले गए थे आधी रात को, ये कहता मैं ना अरे आधी रात को भूख लग जाती है कभी कभार, तो कुछ खाने के लिए गया था, ये देखो गर्मा गर्म समोसे यहाँ पे लेकर आया, ये कहती समोसे आधी रात को क्या तुम्हारा बाप गर्मा गर्म समोसे बनाता है, लेकिन है तो लेकिन ठंडा है, और एक सेकंड यार इसमें नमक मुझे नहीं लग रहा है, तुमने नमक नहीं डाला क्या, तो उसका दिया नमक और समोसे पे था। उतने मैंने सिस्टम से कहता माइंड टू माइंड सिस्टम जल्दी से ना भाई 1000 पॉइंट कट करो और मुझे फ्लावर का गुलदस्ता यहाँ पे दे दो। हाँ तो सिस्टम है ना एक गुलदस्ता उसको दे देता है फ्लावर का, और जो गुलदस्ता यहाँ पे ना आगे यहाँ पे देता है और कहते सुनो जो प्यार है ना प्यार में मिठास यहाँ पे चाहिए ना कि नमक चाहिए, तो इतने नमक खा के क्या करोगी यार। हाँ तो सामने से इनडायरेक्टली प्यार का प्रपोजल दे रहा है, तो सामने से वो भी शर्मा जाती है, यहाँ पे गुलदस्ता लेती है, भाग जाती है, ये कहते हुए आई हेट यू, तो सामने से अपना रैबिट भी कन्फ्यूज किया भाई आई हेट यू, ये उसने आई हेट यू यहाँ पे बोला। उसको देना ये भी अपने कमरे में लौट जाता है, और कमरे में लौटने वाले अपने सिस्टम में चेक रहा था, सिस्टम में ना इसको 1,50,000 पॉइंट यहाँ पे इकट्ठा हो चुका था, 10 लाख में ना मैं अपना लेवल अप यहाँ पे कर सकता हूँ। हाँ तो चलो यार अपना लेवल अप यहाँ पे कर लेते, तो फाइनली अपना लेवल अप करके ना अगले स्टेज पे चल जाता है। तो जैसे लेवल अप होता है ना इसकी बॉडी में रिएक्शन होता है, ड्रैगन यहाँ पे अपीयर होता है, जो कि रियल ड्रैगन यहाँ फोर्स रही है भाई, एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन है, अपने रैबिट बाजू में बैठा हुआ था, वो डर जाता है कि ओ माय गॉड ये ड्रैगन है क्या, मैं प्यारा सा मासूम सा रैबिट, ये ड्रैगन मुझे कुछ मत करो भाई, इतना बोल के रैबिट शायद सोने के लिए निकल जाता है, और अपने फेंग को याद आता है कि शिट यार एक इंपॉर्टेंट बात तो भूल गया, अरे मेरे पास एक बक्सा भी तो है सिस्टम में, वो बक्सा भी ओपन करना है। हाँ तो बक्सा ओपन करो। हाँ तो जैसे बक्सा ओपन यहाँ पे करता है, स्वॉर्ड एंटेड लेवल अप कार्ड इसको मिलता है, तो ये भी कन्फ्यूज, स्वॉर्ड एंटेड लेवल अप कार्ड ऐसा भी कुछ होता है क्या, सिस्टम बताता है यस ऐसा भी कार्ड होता है, आपको जो स्वॉर्ड एंटेड है ना ये आपको स्वॉर्ड एंटेड का लेवल अप कर देगा, इन शॉर्ट लेवल 2 पे पहुंचा देगा, ये कहता अच्छा तो स्वॉर्ड एंटेड का लेवल 2 भी होता है, सिस्टम कहता हाँ जी हाँ आपको करना या नहीं करना, ये भी कहता ऑफकोर्स करना, एक बार कर दो। हाँ तो स्वॉर्ड एंटेड जो होता ना स्वॉर्ड एंटेड का लेवल अप हो जाता है, अब इसका स्वॉर्ड एंटेड सेकंड लेवल पे जा चुका है, तो जैसे लेवल अप होता है इसके दिमाग में पूरा नॉलेज पूरा पावर आ जाता है कि अच्छा भी ऐसा है ये सच्ची में पावरफुल है ना, ये बस नाम का लेवल 2 इसका है, एक मक्खी था मक्खिया के इसके गर्दन पे यहाँ पे बैठता है, ये स्वॉर्ड एंटेड यूज करता है, और आधे सेकंड के अंदर ना मक्खी लिटरली तू सा जो मक्खी था ना उसके भाई 1000 टुकड़े हो जाते हैं, तो ये भी कहता हाँ भाई स्वॉर्ड एंटेड तो सच्ची में बड़ा कमाल का लग रहा है, लेवल अप हो गया, मैंने बक्सा ओपन कर दिया, और कुछ है क्या, या याद आया मिशन पूरा होने के बाद ना मुझे कि स्पिन मारने का भी ऑप्शन यहाँ पर आया था, स्पिन मार के देखता हूँ क्या मिलता है इस बार, और जैसे स्पिन यहाँ पे मारता ना इसको सिलेक्शन बॉडी या तो इंडिस्ट्रक्टिव गोल्डन डिवाइन बॉडी भी कहा जाता है, और जिस बॉडी की एक खासियत है कि भाई आपका जो फिजिकल बॉडी यहाँ पर है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएगा, फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएगा, और आप जितना ज़्यादा फाइट वाइट यहाँ पे करोगे ना उतना ज़्यादा फाइट मतलब उतना ज़्यादा बॉडी और स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, और आपके अंदर जो हिम्मत है ना वो हिम्मत भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जैसे ये देखता ना ये तो खुश, ओ माई गॉड एक नई फिजिकल बॉडी, मज़ा यहाँ पर आ गया यार। हाँ तो जैसे ये क्लैम यहाँ पे करता ना एक रिएक्शन यहाँ पर होता है, और ये नोटिस करते किसी और दुनिया में पहुँच गया, ये भी कन्फ्यूज हम कहाँ आ गए, सामने से ना भाई सोल्जर सारे थे ढेर सारे, एक सोल्जर जैसे हमला करता ना हमारा मैं कटर सामने से हमला करता है, और एक ही हमले में ना उस सोल्जर की धज्जी उड़ जाती है, ये समझ जाता है कि वो मैं समझ गया ये जो मुझे बॉडी मिली है ना ये उसका टेस्ट यहाँ पर है, मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे बॉडी के अंदर कितनी पावर यहाँ पर आ गई है, तो लेट्स फाइट। इतना होने के बाद इतना बोलने के बाद ना लगातार यहाँ पे फाइट करता है, रात से सुबह हो जाता है, और अभी तक ना इल्यूजन वर्ल्ड में ये फाइट किया जा रहा है, अपना रैबिट इसको जगाने आता है, ये जगने का नाम ही नहीं लेता, 2-4 थप्पड़ भी मार देता है लेकिन तो भी जग नहीं रहता,
था, तो ये रैबिट भी सोचता है कि अरे यार एक कॉम्पिटिशन होने वाला था, उस कॉम्पिटिशन में इसको भी पार्टिसिपेट करना था, कॉम्पिटिशन के दिन आज ही यहाँ पर है और ये अभी तक यहाँ पे बैठे बैठे सो रहा है। यार इसको थप्पड़ मार के भी होश में लाया, ये ऐसे होश में नहीं आया। हाँ एक तरीका मेरे पास है, वो है ना उसके कंधे पर चल जाता और कंधे के चढ़ने के बाद है ना कान में हल्के से कहता है, सुने मेरी बात, हमारी सेड की जो भी लड़कियाँ यहाँ पर ना सब ने बिकनी पहना है और बिकनी पहन कर तुम्हारा स्वागत यहाँ पे करने को तैयार है, जल्दी से जाओ। जैसे ये सुनता ना ये होश में आ जाता, कहता क्या बात करो सच्ची में, रैबिट भी लाइक कितना हरामी भाई, बिकनी का नाम सुनते ही ना कितना जल्दी होश में यहाँ पर आ गया, ऐसे होश में आ ही नहीं रहता। अपना फेंक कहता कि एक सेकंड यार मुझे आई डोंट नो, मेरा जो मुंह है ना मुँह अचानक से दर्द यहाँ पे करे, जैसे मेरे मुंह पे कुछ ऐसा लगा हुआ है, अरे जाओ यार जल्दी से ऐनक लेकर आ जाओ। अपना रैबिट डरा जाता है, भाई मैंने थप्पड़ मारे, थप्पड़ के निशान यहाँ पे बने हुए, कहता अरे सुनो यार कॉम्पिटिशन चालू होने वाला है, जाओ यार साहिल लोग ना तुम्हारा इंतजार करे, या तुम थक चुके रहोगे जी चाहे, मैं तुमको अजीब लग रहा होगा। ये भी कहता या तो मैं जाकर आऊँ कॉम्पिटिशन के अंदर, अपना रैबिट तो खुश के चलो भाई बाल बाल बचा, वरना अपना चेहरा देखता मेरे पंजी के निशान यहाँ पे दिखते हैं तो भाई मेरी बैंड बजा देता। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है कॉम्पिटिशन एरिया में और जो कंपटीशन हो रहा है ना उसका लाइव, हाँ भाई उनके यहाँ भी लाइव ब्रॉडकास्ट ना ऐसा पूरे दुनिया में आ जाएगा यहाँ पे चलो था, और प्लस ढेर सारे बंदे ऐसे बैठ के भी देख सकते थे आराम से। हाँ तो उसमें जो थी भाई होस्ट, होस्ट बताती है ऐसे जो भी बंदे पार्टिसिपेट करे ना हमने सबकी रैंकिंग भी यहाँ पे बना लिया, रैंकिंग देख सकते हो। हाँ तो रैंकिंग में जो हमारा मेकेटर था ना वो 30,000 नंबर पे था। हाँ तो बहुत सारे बंदे कहते भाई 30,000 नंबर पर ये इतना नीचे यहाँ पे कैसे हो सकता है, नहीं हमको लगा भाई वो टॉप 100 के अंदर या टॉप 10 के अंदर भी हो सकता है, लेकिन तो भी इतना नीचे यहाँ पर ऐसे कैसे। तो होस्ट यहाँ पे दिनों सामने से बताती है रैंकिंग हमने डिसाइड यहाँ पे नहीं किया, बड़े बड़े एक्सपर्ट ने यहाँ पे डिसाइड किया है, उन्हीं में से हमने एक और एक्सपर्ट को यहाँ पे बुलाया जिसका नाम है माडुओ। ओके मिस्टर माडुओ बताइए। ये कहता हूँ कि स्वागत है भाई, मेरा नाम यहाँ पे माडुओ है, तुम सबसे मिलकर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, तुम सबको डाउट यहाँ पे आ रहा ना कि ये बेसिकली 30,000 नंबर पे यहाँ पे कैसे है, तो भाई जो भी हम लोग एक्सपर्ट है ना हमने सारी चीजों को एनालाइज यहाँ पे किया, तब जाके सबको अपनी अपनी रैंकिंग यहाँ पे दिए, हमने इसको भी एनालाइज यहाँ पे किया, एनालाइज करने में मालूम चला अच्छा है उतना भी नहीं, ये हमारा एंड में कंक्लूजन निकला, होस्ट का दिया अच्छा है लेकिन उतना भी नहीं, कहना क्या चाहते हो। ये बताता कि सुनो यार जो हमने देखा है ये लोंडा अपने एक टेक्निक यूज करता है और ढेर सारी बंदों की बैंड बजा देता है, एक ही टेक्निक, ज्यादा टेक्निक यहाँ पे नहीं। हाँ तो भाई कल्टीवेटर लोग को ज्यादा सीखना चाहिए, ज्यादा विकास करना चाहिए, 7 साल इसको टोटल यहाँ पे लगे थे एशिनिएशन के भाई नोवे लेवल पे आने के लिए, ऐसा कैसे हमारे बल्कि जो बाकी ढेर सारे बंदे ना उनका लेवल इनसे बहुत ज्यादा हाई है, सिलेक्शन लेवल पे कितने सारे बंदे यहाँ पे जा चुके हैं तो उन सबके मुकाबले हल्का सा ये कम हो जाता है ना। हाँ तो इसके लिए इसका रैंकिंग 30,000 यहाँ पर है, तो पब्लिक कहती है वो समझ गया, तभी तो भाई 7 साल पहले ना ये वाला सेट में आ गया था जिस सेट में ढेर सारी कमाल कमाल की सुंदर लड़कियां रहती है, देखो सुंदर लड़की के साथ तुम हो, तुमको कल्टीवेशन करने का मन थोड़ी ना करेगा, तुमको तो लड़कियों के साथ समझ हो ना, हाँ तो ये लड़कियों के साथ मजे कर रहा होगा जी चक्कर में इसका कल्टीवेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं होगा, तभी भाई उतना ज्यादा इसका लेवलअप नहीं हो पाया और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। लेवलअप ये भाई अपने सिस्टम से करता है, जब इसको जरूरत पड़ती है तभी ये कर लेता है, जब जरूरत नहीं पड़ती तो नहीं करता, इसके लिए इसने अपना ज्यादा लेवलअप किया नहीं क्योंकि कभी इसको जरूरत ही नहीं पड़ी। अब चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।